ओम शांति। आज हम अव्यक्त बाप दादा के 8 नवंबर 1981 को चले हुए मधुर महावाक्यों पर मनन और चिंतन करेंगे। मुरली का विषय है अंतर संपन्न करने का साधन तुरंत दान महापुण्य। आज बाप दादा सवेरे प्रातः काल की वतन की बाप दादा दोनों के रू रेहान की चित्रों सहित कहानी सुनाते हैं। कहानी सुनने में सबको रुचि होती है ना? तो आज की कहानी क्या थी? ब्रह्मा बाप वतन के बगीचे में सैर कर रहे थे। सैर करते हुए सामने कौन थे? बाप के सामने सदा कौन रहते हैं? ये तो सभी अच्छी तरह से जानते हो ना? बाप बच्चों की माला सिमरन करते। कौन सी माला? गुण माला। तो ब्रह्मा बाप गुण माला सिमरन कर रहे थे। शिव बाप ने ब्रह्मा से पूछा, क्या सिमरन कर रहे हो? ब्रह्मा बाप बोले, जो आपका काम सो मेरा काम। बच्चों के गुण मालाओं को देख रहे थे। शिव बाप पूछे, क्या क्या देखा? क्या देखा होगा? कोई बच्चों की सिर्फ नेकलेस के माफिक माला थी और कोई बच्चों की पांव तक लंबी माला थी। कोई बच्चों की कई लड़ियों की माला थी। कोई बच्चे इतनी मालाओं से सजे हुए थे जैसे मालाएं उनकी ड्रेस बन गई थी। यानी ब्रह्मा बाबा का कार्य तो स्थापना का ही है और स्थापना संपन्न तभी होगी जब बच्चे सर्वगुण संपन्न बन जाएंगे। तो सर्वगुण संपन्न कहाँ तक बने हैं, यही ब्रह्मा बाबा हर समय देखते रहते हैं और उनको सर्वगुण संपन्न बनाने के लिए जो भी इशारे युक्तियाँ देनी होती है वो देते रहते हैं। तो इसमें बाबा ने एक दृश्य सहित पूरी जो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा में वार्तालाप चली उसको चित्रण किया है। तो बाबा ने बताया कि सूक्ष्म वतन में बगीचे में जैसे सुबह सुबह कोई पिता टहलता है, टहल रहे थे तो टहलते समय क्या सोच रहे थे, तो बाबा ने कहा बच्चे ही सामने रहते हैं तो बच्चों का भी क्या याद कर रहे थे, तो उनके गुण याद कर रहे थे। तो शिव बाबा ने पूछा कि आप क्या सिमर रहे हो, क्या याद कर रहे हो, तो बाबा ने फिर उसमें कैटेगरीज बताई हैं कि कई बच्चों के गुणों की माला तो हर एक के गले में थी, लेकिन एक होती नेकलेस जितनी माला, एक होती है बाबा कहते हैं गले से लेकर पांव तक की माला, फिर एक बहुत सारे लपेटे लिए हुए यानी माला की कई लड़ियां बना करके डाली हुई माला, और फिर बाबा फाइनली कहते हैं कि एक कईयों के तो ऐसी मालाएं थी कि माला से जैसे उनका सारा शरीर ढका हुआ था, उनकी ड्रेस ही गुणों की मालाओं की लग रही थी। तो व्यक्ति इमेजिन कर सकता है कि भी कैसे कैसे वो था। ब्रह्मा बाप वैरायटी गुण मालाओं से सजे हुए बच्चों को देख देख हर्षित हो रहे थे। आप हरेक अपनी गुण माला को जानते हो? कितने सजे हुए हो ये अपना चित्र देखते हो? ब्रह्मा बाप चित्र रेखा बन चित्र खींच रहे थे, अर्थात चित्र में तकदीर की रेखाएं खींच रहे थे। आप स्वयं भी स्वयं का चित्र अर्थात तकदीर की तस्वीर खींच सकते हो ना? फोटो खींच सकते हो ना? फोटो
निकालने आता है अपना व दूसरों का, अपना फोटो खींचने आता है। हाँ, बाबा ने ये कहा कि ब्रह्मा बाबा तो चित्र रेखा अर्थात बाबा का लकीर खींचना ही भाग्य की लकीर खींचना है, तो ब्रह्मा बाबा तो हर बच्चे की चित्र रेखा अर्थात भाग्य की लकीर देख रहे थे, बना रहे थे। अब बाबा कहते हैं कि आपको भी अपनी तकदीर की तस्वीर बनाना आता है, यानी हर व्यक्ति अपने सामने अगर तसव्वुर करे और देखे कि मैं उन गुणों की माला से, जैसे बाबा ने चार वैरायटी बताई है, कहाँ तक सजा हुआ हूँ, तो बाबा ने कहा रेखाएं किसी की समझ में ना आए तो बाबा ने कहा फ़ोटो ले सकते हो। फिर बाबा ने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है कि फ़ोटो खींचना आता है अपना या दूसरों का। प्रायः जो परचिंतन वाले होते हैं वो दूसरों का फ़ोटो खींचते रहते हैं कि इसमें गुण तो कम देखते हैं, कुछ ना कुछ नुक्स देखते रहते हैं। जो स्वचिंतन वाले होते हैं तो अपने गुणों का ध्यान रखते हैं। तो आजकल तो दुनिया के अंदर भी सेल्फी फ़ोटो खींचने का सिस्टम चल पड़ा है। तो बाबा कहते हैं हमको तो अपना ही फ़ोटो खींचना है, हर वक्त ध्यान रखना है। तो इसलिए ये बाबा ने कहा कि गुणों का अपना चित्र खींच सकते हो। तो बाबा ने पूछा, तो आज सबका फोटो वतन में था, कितना बड़ा कैमरा होगा, सिर्फ आप लोगों का नहीं सभी ब्राह्मणों का फोटो था, मालाओं का श्रृंगार देखते कोई कोई बच्चों की विशेषता क्या देखी, हर गुण हीरों के रूप में वैरायटी रूप रेखा और रंग वाले थे। रंग रूप कहते हैं ना, जो एक तो गुण हीरे हैं, गुणों रूपी हीरों की माला पहनी हुई है, फिर हर गुण का अपना अपना रंग है। तो बाबा ने इसमें बताया है कि सारे ही हीरे हैं लेकिन हीरों में भी वैरायटी हीरों की माला देखी है, उसको बाबा ने आगे डिस्क्राइब किया। विशेष चार प्रकार के रंग थे जिसमें मुख्य चार सब्जेक्ट के चार रंग थे। सब्जेक्ट तो जानते हो ना, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। अब देखिए बाबा बिल्कुल जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं, हमको पता है हम यही सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, फिर भी क्योंकि बाबा एक्सप्लेन कर रहे हैं रंग और रूप और चित्रण कर रहे हैं, तो बाबा ने कहा चार प्रकार के रंगों के हीरों की माला थी, और उसमें ज्ञान के गुणों का अलग रंग, योग के गुणों का अलग रंग, धारणा का अलग और सेवा का अलग। तो अर्थात चार प्रकार के रंगों के हीरों की मालाएं थी। ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप की निशानी कौन सा रंग होगा? ज्ञान स्वरूप की निशानी गोल्डन कलर, जो हल्का सा गोल्ड कलर होने के कारण उस एक ही हीरे से सर्व रंग दिखाई देते थे। ऐसा होता ना कि हीरे में सातों रंग प्रकट हो जाते हैं, अगर वो हीरा हल्के रंग का हो, नहीं तो जिस रंग का होगा वही रंग दिखेगा। तो बाबा ने कहा ये गोल्डन था लेकिन हल्का गोल्डन था, इसे सतरंगी जिसको कहते हैं, वो चमक रहे थे उसके अंदर, और गोल्डन रंग ज्ञान का है। तो जो माला पहनी हुई थी, जिन बच्चों में ज्ञान ज़्यादा है वो, यानी पूरा ज्ञान है, उन्होंने सिर से पांव तक अनेक लड़ियाँ ज्ञान के गोल्डन हीरों की पहनी हुई थी, और उनमें से अनेक रंग की रेखाएं निकल रही थी, किरणें निकल रही थी। एक ही हीरे से भिन्न भिन्न रंगों की किरणों के मुआफिक चमक दिखाई देती थी। दूर से ऐसे अनुभव करेंगे जैसे सूर्य चमक रहा है, और ये उससे भी सुंदर सूर्य, क्योंकि सर्व रंगों की किरणें दूर से ही स्पष्ट दिखाई देती थी। क्योंकि ज्ञान जो होता है, ज्ञान के अंदर बहुत सी बातें आती ना, और ज्ञान की तुलना प्रकाश से या सूर्य से की जाती है,
और परमात्मा के लिए भी कहते हैं, जो भगवान ने ज्ञान दिया वो सूर्य को दिया सबसे पहले, अर्थात सूर्य वंशियों को दिया। तो वो जो किरणें हैं रेखा सूर्य से जैसे निकलती हैं कई रंगों की, उस प्रकार की मालाएं चमक रही थी। बाबा ने बोला, चित्र सामने आ रहा है ना, कैसे चमक रहा है हीरा। फिर दूसरा, याद की निशानी। याद की निशानी ये तो सहज है ना, याद में यहां भी बैठते हो तो क्या करते हो, लाल रंग। लेकिन इस लाल रंग में भी गोल्डन रंग मिक्स था, इसलिए आपकी इस दुनिया में वह रंग नहीं है। कहने में तो लाल रंग आएगा। बाबा कहते हैं ये अलौकिक रंग है, तो अलौकिक रंग याद का रंग तो लाल ही है, लेकिन उसमें भी जैसे बाबा ने कहा कि उस गोल्डन में हल्का गोल्ड था तो उसमें अनेक किरणें निकल रही थी, तो इस गोल्डन रेड रंग है। कहने को तो लाल ही कहेंगे, लेकिन वो रंग यहाँ नहीं दिखाई देगा, उसका वर्णन नहीं कर सकते, कहने को लाल ही कहेंगे कि लाल रंग याद का है। फिर धारणा की निशानी। धारणा की निशानी सफेद रंग, लेकिन सफेदी में भी जैसे चंद्रमा की लाइट के बीच सुनहरी रंग मिक्स करो, या चांदनी के रंग में हल्का सा पीला रंग ऐड करो, तो दिखाई चांदनी जैसा देगा, लेकिन हल्का सा सुनहरी होने के कारण उसकी चमक और ही सुंदर हो जाती है। ये बाबा ने धारणा का रंग बताया। यहाँ वह रंग बना नहीं सकेंगे, क्योंकि वे चमकने वाले रंग हैं। कितनी भी ट्रायल करो, लेकिन वतन के रंग यहाँ कहाँ से आएंगे। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लोरोसेंट कलर यूज़ करेंगे, लेकिन वो जो हीरे जैसी चमक है जिसमें से किरणें निकलती हैं, वो अलौकिक रंग इस दुनिया में नहीं आ सकते। तो बाबा ने यहाँ तक कहा कि चंद्रमा के वाइट में हल्का सा गोल्डन, लेकिन गोल्डन समझ में नहीं तो थोड़ा पीला बाबा ने ऐड कर दिया, इस प्रकार का येलोइश वाइट ये रंग दिखाया गया। फिर सेवा की निशानी। सेवा की निशानी हरा रंग। सेवा में चारों ओर हरियाली कर देते हो ना, कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बना देते हो, हरा भरा कर देते हैं। तो अभी सुना चार रंग कौन से हैं? इन चार रंगों के हीरों से सजी हुई मालाएं सबके गले में थी। इसमें भिन्न भिन्न साइज और चमक में अंतर था, क्योंकि सारे बच्चे चारों सब्जेक्ट तो पढ़ते ही हैं ना, तो चारों सब्जेक्ट के पढ़ने से जितनी जितनी उन्होंने प्राप्ति की है उसी अनुसार साइज में फर्क था और उसी अनुसार चमक में फर्क था। कोई की ज्ञान स्वरूप की माला बड़ी थी, तो कोई की याद स्वरूप की माला बड़ी थी, और कोई कोई की चार ही मालाएं थोड़े से अंतर में थी। जिन्हों की चार ही रंगों की अनेक मालाएं थी वो कितने सुंदर लगते होंगे। तो बाप दादा सबकी रिजल्ट मालाओं के रूप में देख रहे थे। दूर से हीरे ऐसे चमक रहे थे जैसे छोटे छोटे बल्बों की लाइन। ये था चित्र। अब इस चित्रों द्वारा रिजल्ट देख ब्रह्मा बाप बोले, समय की रफ्तार प्रमाण सर्व बच्चों का श्रृंगार संपन्न हुआ है, क्योंकि रिजल्ट में तो अंतर था, तो इस अंतर को संपन्न कैसे करें? ब्रह्मा बाप बोले, बच्चे मेहनत तो बहुत करते हैं, मेहनत के साथ सबकी इच्छा भी है, संकल्प भी करते हैं, बाकी क्या रह गया? यानी बाबा ने कहा कि ये जो अंतर है संपूर्णता का, समय
ये रफ्तार देखते हुए जब समय कंप्लीट होगा तो सबको संपूर्ण और संपूर्ण होना है, लेकिन रिजल्ट दिखा रही है कि फ़र्क है, जिसको अंतर बाबा ने कहा। अंतर को भी बाबा कई बार अंतर और महान अंतर कहते हैं, इतना का फ़र्क है। अब इस अंतर को पूरा करना है तो उसको अंतर का पहले बाबा कारण बताएंगे, फिर उसको पूरा करने की विधि बताएंगे। तो जैसे मुरली का विषय का टाइटल था अंतर को समाप्त करने के लिए, बाबा ने कहा था ना तुर्त दान महापुण्य, तो उसको बाबा ने, ये वैसे भी प्रसिद्ध है, तुर्त दान महाकल्याण या तुर्त दान महापुण्य कहते हैं। अब ये तुर्त दान, तो तुर्त का मतलब होता है इमीडिएटली, तो बाबा ने इसको समय से लिंक किया है कि समय की रफ्तार को देखते हुए जो कुछ करना है इंस्टेंटली करना है, उसमें ज़रा सा फ़र्क डालोगे तो अंतर रह जाएगा। और अंतर का कारण भी समय का फ़र्क है, इसको बाबा ने बहुत सहज तरीके से हमारे पुरुषार्थ में ज़रा सी अटेंशन देकर उसको ठीक करने की विधि बताई। तो बाबा ने बोला, जानते तो सब हो ना, नॉलेजफुल तो बन गए हो, तो बताओ क्या अंतर रह जाता है जिससे कोई की नेकलेस, कोई की पांव तक लंबी मालाएं, वह भी अनेक मालाएं, सुनते भी एक हो, सुनाते भी एक हो, विधि भी सबकी एक है और विधाता भी एक है, विधान भी एक है, बाकी क्या अंतर रह जाता है? संकल्प भी एक है, संसार भी एक है, फिर अंतर क्यों? यानी बाबा कहता है कि सबको ज्ञान सुनाने वाला एक, सबका भाग्य बनाने वाला एक, सबका संकल्प भी एक ही है, सबकी इच्छा भी एक ही है, तो ये सब कुछ एक होते हुए फिर अंतर क्यों रह जाता है? तो इसको बाबा ने एक्सप्लेन किया। ब्रह्मा बाप को आज बच्चों पर बहुत बहुत स्नेह आ रहा था, सभी चित्रों को संपन्न बनाने के लिए तीव्र उमंग आ रहा था कि अभी का अभी ही सबको मालाओं से सजा दें। ब्रह्मा बाबा तो, यानी ब्रह्मा बाबा की ये तो प्रसिद्ध है ना कि ब्रह्मा बाबा हर चीज़ को तुरंत पूरी करनी चाहते थे और इसीलिए तुरंत करते करते संपूर्णता को पा गए। तो अपने बच्चों को भी उसी प्रकार से उमंग से कि आज ही इसी समय ही सबको मैं संपन्न और संपूर्ण कर दूं, वो बाबा को इतना स्नेह का हो, तरस का हो, वो आ रहा था। तो बाबा ने कहा, बाप तो सजा भी दे, लेकिन धारण करने की समर्थि भी चाहिए। अब ये बाबा ने दूसरी बात बताई है, ब्रह्मा बाबा की तरफ से कोई कमी नहीं है। बाबा कहते ना, देंदा दे लेंदा थक जाए, अगर बाबा सजा भी दे, अब उस सजे सजाए रूप में रहना, उसको धारण करना, उसकी भी तो शक्ति चाहिए ना। अब किसी को आप सजा दें और वो अपनी सजावट को बिगाड़ ले, तो फिर तब बाबा कहते हैं कि उसकी अपनी ताकत भी चाहिए कि उस सजावट को कायम रख सके, संभालने की समर्थि भी चाहिए। तो ब्रह्मा ने शिव बाप से पूछा, क्या बात है, बच्चे साथ चलने के लिए संपूर्ण सजते क्यों नहीं है? साथ में तो सजे सजाए ही जाएंगे, कारण क्या निकला? शिव बाप बोले, अंतर तो छोटा सा है, सोचते सब हैं, करते भी सब हैं, लेकिन कोई कोई है जो सोचते और करते एक ही समय पर है। अब बहुत महीन बात, लेकिन बहुत सहज बात, बहुत सूक्ष्म बात शिव बाबा ने अब अंतर का कारण बताया है कि ज़रा सा अंतर है, वो क्या है, सभी सोचते हैं और सभी करते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है, बाबा कहते हैं कई सोचते और साथ साथ करते हैं, और कई सोचते हैं अब हैं, करते ज़रा सी देर के बाद। तो बाबा ने कहा, जो सोचते और करते एक ही समय पर हैं, अर्थात सोचना और करना साथ साथ है, वो संपन्न बन जाते हैं।
और कोई कोई हैं जो सोचते हैं और करते भी हैं, लेकिन सोचने और करने के बीच में मार्जिन रह जाती है। सोचते बहुत अच्छा है, लेकिन करते कुछ समय के बाद हैं, उसी समय नहीं करते हैं। इसलिए संकल्प में जो समय की तीव्रता, उमंग, उल्लास, उत्साह होता है, वह समय पढ़ने से परसेंटेज कम हो जाती है। एक होता है ना, यानी सोचा और किया, तो उस समय जो सोचने के अंदर पावर होती है, सोचने के अंदर उमंग होता है, वो 100% होता है, सोचा और कर लिया। लेकिन अगर थोड़ी सी देर के बाद करो तो उसकी परसेंटेज घट जाती है। इसलिए कहते हैं कि बाबा कहता है कि ये गैप को पूरा करना। गरम व ताजी चीज का अनुभव और ठंडी व रखी हुई चीज का अनुभव में अंतर आ जाता है ना। ताजी चीज की शक्ति और रखी हुई चीज की शक्ति में अंतर पड़ जाता है ना। ये तो स्वाभाविक, हर एक का अनुभव है। एक है गर्मा गर्म, उसका अपनी शक्ति होती है, उसका अपना होता है, उसके बाद गर्म, और उसके बाद जरा सा गर्म लेकिन थोड़ा कम गर्म, फर्क हो गया ना। चीज कितनी भी बढ़िया हो, लेकिन रखी हुई चीज, उसकी रिजल्ट वही नहीं निकल सकती। ऐसे संकल्प जो करते हैं वो उसी समय प्रैक्टिकल में करना उसकी रिजल्ट, और सोचना आज करना कब उसकी रिजल्ट में अंतर पड़ जाता है। बीच में समय की मार्जिन होने के कारण एक तो सुनाया कि परसेंटेज सबकी कम हो जाती है, जैसे ताजी चीज के विटामिन्स में फर्क पड़ जाता है। दूसरा, मार्जिन होने के कारण समस्याओं रूपी विघ्न भी आ जाते हैं। कोई ना कोई समय होता है ना बीच में, तो कोई ना कोई उसके बीच में अंदर परिस्थिति पैदा हो जाती है, वो पूरा कर नहीं पाते, तुरंत किया वो हो जाता है। हमेशा आप देखते हैं कि बाबा ने अमृत वेले सुबह के समय जो याद की यात्रा बताई हुई है, उसमें भी अलग अलग प्रकार की प्राप्तियां होती हैं, इसी कारण से होती हैं। बाबा कहते हैं कि सुबह पहले कनेक्शन जोड़ो, अर्थात अगर हम सीधा ही बैठ जाएं, अपने को आत्मा समझकर परमात्मा से कनेक्शन जोड़ो, और उसके बाद आपको जिस लोक में जाना है, मान लीजिए आपने परम धाम में आत्मिक रूप से जाना है, तो तुरंत चले जाओ, और अगर आपने सूक्ष्म लोक में जाना है फरिश्ता रूप, तो तुरंत चले जाओ। अगर आपने बीच में ज़रा सा मार्जिन डाल दिया कि अभी जाता हूँ, तो बाबा कहते हैं कि माया डमरू बजा करके, जैसे बंदर को नचाते हैं ना, तो माया आपको डमरू बजा के आपके उस संकल्प से हटा करके कई प्रकार के सोच विचार में ले जाएगी। तो आप देखेंगे कि अरे मैं तो बैठा था परम धाम में जाने के लिए, ये बीच में क्या हो रहा है। फिर कोशिश करेंगे, मेहनत करनी पड़ती है। तो बाबा ने कहा इसलिए सोचना और करना साथ साथ हो। इसको कहा जाता है तुरंत दान महापुण्य, नहीं तो महापुण्य के बजाय पुण्य हो जाता है। अब देखिए कहावत भी तो है ना, तुरंत दान महाकल्याण या महापुण्य, तो महाशब्द फिर हट जाएगा, फिर पुण्य रह जाएगा, तो अंतर हो गया ना। यानी दान से पुण्य, तुरंत दान से महापुण्य। महापुण्य की प्राप्ति और पुण्य की प्राप्ति में अंतर हो जाता बहुत है, फर्क हो जाता है। समझा? जैसे आपने कभी कभी देखा होगा किसी चीज के प्राइस देते हैं, तो फर्स्ट प्राइस, सेकंड प्राइस, थर्ड प्राइस तक देते हैं, तो फर्स्ट प्राइस और सेकंड प्राइस में कितना फर्क होता है? बहुत फर्क होता है, आधे से ज्यादा फर्क होता है। इसी प्रकार बाबा कहते हैं यहाँ भी आप अपनी प्राप्ति देख लो, कि अगर तुरंत करते रहे, करना
और सोचना इकट्ठा रहा तो सतयुग में आ जाते हैं, और अगर थोड़ा फर्क हो गया तो त्रेता में आ जाते हैं। कितना फर्क, वो महापुण्य से सूर्यवंशी बन जाते हैं और पुण्य से चंद्रवंशी बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा, हाँ, समझा कारण क्या है, छोटा सा कारण है, करते भी हो सिर्फ अब के बजाय कब करते हो, इसलिए मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। तो ब्रह्मा बाप बच्चों से बोले, अब इस कारण का निवारण करो। सुना आज की कहानी, दोनों बाप के बीच की कहानी। अब क्या करेंगे, निवारण करो। निवारण करना ही निर्माण करना हो जाएगा। तो स्व में भी नव निर्माण और विश्व में भी नव निर्माण। अच्छा, ऐसे सदा सजे सजाए, सोचना और करना समान बनाने वाले, सदा बाप समान, तुरंत दानी महापुण्य आत्माएं, दोनों बाप के शुभ इच्छा को पूर्ण करने वाले, ऐसे संपन्न आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अब इसमें बाबा ने बिल्कुल सार रूप में, बिल्कुल असेंस रूप में हमको ये एक छोटा सा मंत्र बताया है कि सोचना और करना साथ साथ होना चाहिए। नहीं तो आप देखेंगे व्यक्ति सोचता बहुत है, जब करने लगता है तो कर थोड़ा सा पाता है ना। इसीलिए कहा जाता है एन आउंस ऑफ प्रैक्टिस इज बेटर देन ए टन ऑफ थ्योरी। सोचा बहुत सारा या थोड़ा, क्योंकि उस वक्त सोचने के साथ सोचने की शक्ति है, संकल्प में पावर है, ज़रा सा मार्जिन दिया तो पावर परसेंटेज में आ जाती है। तो एक तो जितना सोचते हैं उतना कर नहीं पाते हैं समय आने से, फिर बीच में ये भी होता है कि हर चीज़ का एप्रोप्रिएट टाइम होता है। आप देखेंगे कभी भी कोई, मान लो किसी ने वज़न उठाना है, वेट लिफ्टिंग करनी है, तो वो व्यक्ति अच्छी तरह से अटेम्प्ट करता है और 8-10 बारी अपने आप को उस पोजीशन में लाता है, और फिर एक टाइम में वो पर्टिकुलर मोमेंट होता है जिसमें वो फुल्ली चार्ज होता है, अपनी सारी एनर्जी कंसंट्रेट किया होता है, उस समय वो एक धक से वेट उठा लेता है और काफ़ी ज़्यादा वेट उठा लेता है। अगर वो मोमेंट गुजर जाए या उस मोमेंट से थोड़ा पहले, तो वो वेट नहीं उठा सकता। इसलिए वो समय निकल गया अगर, तो प्रायः हम ऐसा भी करते हैं कि बाबा ने जैसे कहा हुआ है, सुबह के समय आपके संकल्प शांत होते हैं, अमृत वेला होता है, मेरी तरफ से खास बाबा कहते हैं वरदान है, उस समय कोई भी बच्चा मुझे याद करेगा तो मैं उसकी हर इच्छा पूरी करूँगा। लेकिन प्रायः ये देखा गया कि खास उसी वक़्त कोई ना कोई ऐसा, उस समय को आगे पीछे करने के लिए कई प्रकार की परिस्थितियाँ आएंगी। उस समय ज्ञान के संकल्प आने शुरू हो जाएंगे, कोई दिनचर्या कोई ज़रूरी चीज़ याद आनी शुरू हो जाएगी, या मन ये कहेगा थोड़ी देर बाद कर लेंगे, तो वो जो चीज़ है इसी कारण से आती है, इस बात का टेंशन नहीं देते कि वो घड़ी गुजर गई तो फिर नहीं वो काम हो सकता। फिर बाबा की टीचर्स के साथ मुलाकात। बाबा ने बोला, सेवाधारी अमृत वेले से लेकर रात तक सेवा की स्टेज पर हो, अगर आराम भी करते हो तो भी स्टेज पर हो। ये बाबा ने इस मुरली में टीचर्स के लिए, बाबा भिन्न भिन्न तरीके से शिक्षाएं देते हैं, लेकिन आज की ये जो शिक्षा है इसमें केवल एक शब्द है कि अपने आप को स्टेज पर समझो और जो कुछ करना है स्टेज समझ के करो। तो बाबा कहते हैं स्टेज से अलग होके ना करो, जैसे कोई एक्टर होता है
तो स्टेज के ऊपर सब कुछ परफॉर्म करता है, तो उसको हर वक्त कॉन्शियसनेस रहती है कि मैं देखा जा रहा हूँ, अनेक लोग मुझे देख रहे हैं और मेरी इस परफॉर्मेंस के ऊपर ही मेरी सारी प्राप्ति, मेरी सारी शोहरत निर्भर है, तो कितना अटेंटिव रहता है। और जो ही वो स्टेज से अलग हो जाए तो नहीं होता। तो इस स्टेज शब्द को टीचर्स के लिए बाबा ने और बहुत ही एक नेचुरल तरीके से बताया कि सोना भी है तो स्टेज पर। हाँ, तो बाबा ने बोला अगर आराम भी करते हो तो भी स्टेज पर हो, स्टेज पर भी सोने का पार्ट बजाते हैं ना। हाँ ना, कई बार नाटक में स्टेज पर सोने का पार्ट बजाते हैं, तो जब वो स्टेज पर सो रहे पार्ट बजा रहे होते हैं, उनको अच्छी तरह पता होता है कि मेरा सोना भी देखा जा रहा है ना। जैसे किसी का फिल्म शूट होना हो तो कितना अटेंशन रखता है कि हर चीज़ मेरी रिकॉर्ड हो रही है। तो बाबा कहते हैं स्टेज सो भी तो ये समझो हम स्टेज पर हैं, सबकी नजर होती है कैसे सोए हुए हैं। हाँ, इसी रीति सेवाधारी अर्थात 24 घंटे स्टेज पर पाठ बजाने वाले, तो हर कदम हर सेकंड सारी विश्व के आगे हैं। सेवाधारी सदा हीरो पाठधारी समझ करके चले, सेंटर पर नहीं बैठे हो लेकिन स्टेज पर बैठे हो। ये भी ना समझो कि बाबा के किसी सेंटर पर बैठे, क्योंकि अगर हीरो पार्टधारी का मतलब होता है हर पार्ट को एक बहुत अच्छे तरीके से बजाने वाला। हीरो पार्टधारी अगर चलता भी है, साधारण चलते तो सब हैं, उसके चलने में एक स्टाइल अदा होती है, तभी वो हीरो, उसको पता है कि मेरे चलने को भी देखा जा रहा है, बोलने को भी देखा जा रहा है, किसी गिरी हुई चीज़ को उठाने में को भी देखा जा रहा है। तो इसलिए बाबा कहता है कि अगर आपने हीरो पार्टधारी बनना है, हीरो पार्टधारी का ये मतलब नहीं होता कि बढ़िया कोई बढ़िया पार्ट मिले तो मैं हीरो बन गया, नहीं, हर पार्ट मैं बेस्ट तरीके से अदा करूं। और उसका बाबा तरीका बता रहे हैं कि सेवाधारी मीन्स एवर सेवाधारी, तो फिर वो क्या होगा, हर चीज़ में उसके सेवा समा जाएगी। तो बाबा ने कहा सेंटर पर नहीं बैठे हो लेकिन स्टेज पर बैठे हो, विश्व की स्टेज पर, तो इतना अटेंशन रहने से हर संकल्प और कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ होंगे ना। नेचुरल अटेंशन होगा, अटेंशन देना नहीं पड़ेगा लेकिन रहेगा ही, क्योंकि स्टेज पर होना और सदा अपने को पूज्य आत्मा समझो, तो पूज्य आत्मा अर्थात पावन आत्मा, कल्प कल्प पूज्य है। पूज्य समझने से संकल्प और स्वप्न भी सदा पावन होंगे। यानी बाबा ये बता रहे हैं कि अपनी स्थिति जो है वही आपकी स्टेज, दुनिया में स्टेज का मतलब अवस्था भी तो होता है ना, कि मेरी अवस्था क्या है। तो बाबा ने कहा अगर एक्टर मानोगे, हीरो एक्टर, सब मुझे देख रहे हैं, तो भी नेचुरल अटेंशन रहेगा। और अगर पावन शब्द ले लो तो आपके, मैं पावन हूँ, तो आपका बोल कर्म सदा पावन रहेगा। दुनिया के अंदर भी आप देखते हैं वर्कर काम कर रहे होते हैं, जब सुपरवाइज़र आ जाता है एक साधारण, तो सुपरवाइज़र के सामने आप देखिए वो कितने एक्टिव होकर पार्ट करना शुरू कर देते हैं। जब तक सुपरवाइज़र खड़ा रहता है वो इतना बढ़िया पार्ट करते हैं, उस सुपरवाइज़र के जाने के बाद वो ढीले हो जाते हैं। तब बाबा कहते हैं वो तो नकली तरीका है, आप उसमें जब सुपरवाइज़र आएगा तब आप एक्टिव होंगे, लेकिन ये एक नेचुरल तरीका है कि हम स्टेज पर हैं, हम पावन आत्मा हैं। वैसे भी सेवाधारी मेजॉरिटी कुमारियां हैं। हाँ, कुमारियां, कुमारियां डबल कुमारियां हो गई, ब्रह्मा कुमारी भी और कुमारी भी, तो कितनी महान हो गई कुमारी की। अब 84वें अंतिम जन्म में भी चरणों की पूजा होती है, तो इतनी पावन बनी हो तब इतनी पूजा हो रही है। अब बाबा कहता है कि यज्ञ में बाबा ने सेवाधारी रखा ही कुमारियों को हुआ, प्रायः मेजॉरिटी तो कुमारियां ही हैं।
ब्रह्मा कुमारियां हैं। अगर कुमारियां नहीं भी थीं तो बाबा ने उनको ब्रह्मा कुमारियां बना दिया, निर्बंधन है। तो डबल कुमारी जो है उसकी तो बाबा कहता है इतनी महान रही हैं, उसकी निशानी है कि आज भी जबकि सारे कल्प का 84वां लास्ट बर्थ है उसमें भी कुमारियों के चरणों की पूजा होती है, चरण धोकर पीते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसा कुछ किया होगा ना, तभी ये यादगार है। कुमारियों को कभी भी झुकने नहीं देंगे। हाँ, कुमारियों के चरणों में सब झुकते हैं। अब देखिए कोई कुमारी किसी के पैरों को हाथ लगाने की कोशिश करे, बुजुर्ग हो कोई हो बड़ा हो, तो कहेंगे नहीं 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 ऐसे करेंगे, उसको झुकने नहीं देंगे। वो समझते हैं कि इनके कुमारी के चरण में तो हमको झुकना है। बकायदा ऐसे मौके फेस्टिवल रस्में रखी हुई हैं जहाँ माता पिता भी कुमारी के चरण धोते हैं और लोग भी चरण धोते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये ताकत ये यादगार कहाँ से आया। चरण धोकर पीते हैं। हाँ, तो वो कौन सी कुमारियां हैं? हाँ, ब्रह्मा कुमारियां हैं ना। तो सेवाधारी ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हो, किसकी पूजा हो रही है? आप लोगों की। गीत भी है ना, पूजा होती है घर घर में। ये गीत बना हुआ ना कि वो चेतन में देवियां आ गई, शिव शक्तियां आ गई, घर घर में जिनकी होती है पूजा। अब तक तो पूजा करते आए, अब बाबा कहते हो तुम चेतन में आ गए, इसलिए बोलो हमारी पूजा होती है। हुँ। बाप दादा भी देखो नमस्ते करते हैं ना, तो इतनी पूज्य हो तब तो बाप भी नमस्ते करते हैं। भगवान भी अगर नमस्ते करता है तो इसी कारण से करता है ना। इसी स्मृति स्वरूप में रहने से सदा वृद्धि होती रहेगी, अपनी भी और सेवा की भी। सब विघ्न समाप्त हो जाएंगे, इसी स्मृति में सब विशेषताएं भरी हैं। जो इतने भी विघ्न आते हैं, कभी कहते हैं सेवा बढ़ नहीं रही है, अपने व्यक्तिगत जीवन में भी विघ्न आते हैं, तो बाबा ने कहा इस विशेषता से विघ्न भी समाप्त हो जाएंगे, अपनी भी उन्नति होगी, सेवा की भी वृद्धि होगी। इस विशेषता में सारी प्राप्तियां समाई हुई। जीवन की अनेक समस्याओं का हल तीर्थ स्थान की स्मृति। बाबा ने बोला भाग्य विधाता की भूमि पर पहुंचना ये भी बहुत बड़ा भाग्य है। ये कोई खाली स्थान नहीं है, महान तीर्थ स्थान है। एक तो होता ना किसी जगह पहुंचना और एक होता है किसी विशेष स्थान पर पहुंचना। और विशेष स्थानों में सारे विश्व में अगर कोई ऐसा स्थान है जो भाग्य बनाने वाला है वो तीर्थ स्थान है। लोग जाते हैं, टूरिस्ट जगह जगह देखने जाते हैं, कोई नियाग्रा फॉल देखने चला जाता है, कोई ताजमहल देखने चला जाता है, कोई समुंदर देखने चला जाता है, वो भी स्थान है। लेकिन विशेष स्थान देखे जाते हैं, लेकिन तीर्थ स्थान अर्थात तीर्थ स्थान का मतलब ही वहाँ पहुँचने से पाप धुल जाते हैं, पाप मिट जाते हैं, पावन हो जाते हैं वो स्थान। तो बाबा कहता है अगर ये भी स्मृति रखो कि हम किसी ऑर्डिनरी जगह नहीं आ रहे। आप देखिए यूँ भी हमारे ब्रह्मा कुमारी के सारे विश्व में सेंटर है, सभी केंद्रों पर वही ज्ञान मुरली चलती है, वही ज्ञान की प्रसारित कराया जाता है। फिर भी वर्ष में एक बार या जब भी किसी का टर्न आता है, जब वो माउंट आबू आता है तो उसके अंदर एक घंटे में जो परिवर्तन होता है वो वहाँ एक वर्ष में भी नहीं होता, क्योंकि ऐसे लगता है कि सारा पिछला सब प्रकार के संकल्प सब प्रकार का वॉश ऑफ हो गया। वो बाबा कह रहा है। वैसे भी भक्ति मार्ग में मानते हैं कि तीर्थ स्थान पर जाने से पाप खत्म हो जाते हैं, लेकिन कब होते हैं, कैसे होते हैं ये जानते नहीं हैं। इस समय तुम बच्चे अनुभव करते हो कि इस महान तीर्थ स्थान पर आने से पुण्य आत्मा बन जाते हैं। ये तीर्थ स्थान की स्मृति जीवन की
अनेक समस्याओं से पार ले जाएगी। ये स्मृति भी एक तावीज का काम करेगी। जब भी याद करेगा तो यहाँ के वातावरण की शांति और सुख आपके जीवन में इमर्ज हो जाएगा। तो पुण्य आत्मा हो गए ना। बाबा कहता है आबू विश्व का सबसे महान तीर्थ है, तो वहाँ की जो घड़ी बिताई हुई है जब भी जिंदगी में याद करेंगे तो एकदम तावीज का काम करेगी। इस धरनी पर आना भी भाग्य की निशानी है, इसलिए बहुत बहुत भाग्यशाली हो। अब भाग्यशाली तो बन गए, लेकिन सौभाग्यशाली बनना व पद्मा पदम भाग्यशाली बनना ये आपके हाथ में है। बाप ने भाग्यशाली बना दिया, यही भाग्य समय प्रति समय सहयोग देता रहेगा। कोई भी बात हो तो मधुबन में बुद्धि से पहुंच जाना, फिर सुख और शांति के झूले में झूलने का अनुभव करेंगे। हाँ, देखिए ना, बाबा ने इसलिए चार धाम भी मधुबन के डिस्क्राइब किए हुए हैं। तो बाबा कहते हैं ये एक बहुत पावरफुल चीज़ है, अपनी स्मृति को ऐसे स्थान पर ले जाएं जो तपस्या भूमि है, जो पावर बनाने वाली है, तो आपकी छोटी मोटी समस्याएं आप पे वॉश ऑफ हो जाएं। फिर बाबा की आगे नेक्स्ट ग्रुप से मुलाकात। स्वदर्शन चक्रधारी की निशानी। स्वदर्शन चक्रधारी की निशानी है सफलता स्वरूप। सभी अपने को स्वदर्शन चक्रधारी समझते हो। बाप की जितनी महिमा उसी महिमा स्वरूप बने हो। जैसे बाप के हर कर्म चरित्र के रूप में अभी भी गाए जाते हैं, ऐसे आप के भी हर कर्म चरित्र समान हो रहे हैं। ऐसे चरित्रवान बने हो। कभी साधारण कर्म तो नहीं होते हैं। जो बाप के समान स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं उनसे कभी भी साधारण कर्म हो नहीं सकते। जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता समाई हुई होगी। सफलता होगी या नहीं होगी ये संकल्प भी नहीं उठ सकता। निश्चय होगा सफलता हुई पड़ी है। स्वदर्शन चक्रधारी माया जीत होंगे। माया जीत होने के कारण सफलता मूरत होंगे, और जो सफलता मूरत होंगे वो सदा हर कदम में पद्मा पदम पति होंगे। ऐसे पद्मा पदम पति अनुभव करते हो। इतनी कमाई जमा कर ली है जो 21 जन्मों तक चलती रहे। सूर्यवंशी अर्थात 21 जन्मों के लिए जमा करने वाले तो सदा हर सेकंड में जमा करते रहो। अच्छा, यानी ये बाबा ने बताया, पहले कहा ना कि भाग्यशाली हो, सौभाग्यशाली हो या पद्मा पदम भाग्यशाली हो, तो पद्मा पदम जमा करने वाले ही पद्मा पदम भाग्यशाली होंगे ना, तो उनमें साधारणता का सवाल ही नहीं पैदा होता, और सफलता होगी या नहीं होगी ये उनके मन में संकल्प ही नहीं आएगा। उसके लिए सुदर्शन चक्रधारी रहना। तो ये थे बाप दादा के आज के महावाक्यों पर मनन और चिंतन, जिसमें बाबा ने विशेष हमें सोचने और करने के बीच में जो अंतर रह जाता है उसको समाप्त करने की प्रेरणा दी। तुरंत दान महापुण्य करने को कहा। एक है पुण्य और दूसरा है महापुण्य। ओम शांति।